लक्ष्मण झूला भी है, इधर लक्ष्मण झूला भी है। जहाँ पर आप इस समय खड़े हैं, यह है हरिद्वार, हर की पेड़ी, दोनों तरफ पहाड़ है, बीच में गंगा जी का स्थान है। इस समय जो है सरसों की खेती हो रही है, लेकिन जब सावन भादो का महीना होता है तो यहाँ गंगा जी बहती है। ये हर की पेड़ी, यहाँ पर ठाकुर जी नंद बाबा को हर की पेड़ी में स्नान कराने के लिए हर की पेड़ी को, हरिद्वार को प्रकट किया था, क्योंकि इस क्षेत्र में पूरे तीर्थ स्थान है। तो ये है हरिद्वार जहाँ पर इस समाप्त लोग, ये गंगा जी दोनों तरफ पर्वत से है, बीच में से गंगा जी बहती है। जैसे नंद बाबा यशोदा मैया ने मनो की मनाई, तुम्हारे गुरु को फिर हो जाए तुम तीर्थ कर। राधे श्याम बाबा, जय श्री राधा। जर्तकारों की धर्म पत्नी, मुनि की माँ, नागों की माँ, इन्होंने किया था, नागों को बचाया था, देखो कहा है, ये स्थान है, इसका नाम है गजेंद्र मोक्ष। हाथी का पांव पकड़ रहा मगरमच्छ में, इसकी आकृति मगरमच्छ के समान है, जैसे मगरमच्छ की पीठ पे होते ना। तो सारे तीर्थों को भगवान ने प्रकट किया, तो गजेंद्र मोक्ष का जहाँ भगवान ने उद्धार किया, वो भी परम पावन तीर्थ है, तो उस तीर्थ को भी भगवान ने यहाँ प्रकट कर दिया। तो ये दो शिला है, ये शिला है गजेंद्र और हाथी के नाम से, उसके मगरमच्छ के नाम से, इससे उसकी आकृति मगरमच्छ के समान है। और ये हाथी का जो देखना पाँव, यही भगवान नारायण का स्वरूप माना गया, ये हाथी का शिव, और ये गजेंद्र जो क्या बोलते हैं मगरमच्छ, मगरमच्छ की पीठ के ऊपर जो कांटे से बने होते हैं ना, वो यहाँ बने। ये स्थान यहाँ से देखो हाथी का माथा लग रहा है, आगे ये मगरमच्छ मुक्का का। चलो गजेंद्र मुक्का खाने के लिए।